Hello everyone, welcome in the next video for the class 6, and the chapter is the structure and functions of the living organisms, animals. And in this video we will discuss about the question answers of this chapter. So let's get started. The first question is section A, fill in the blanks. First one is the process of breaking down of food into fine and soluble particle is called digestion. बच्चों ये जो फूड का टूटना होता है, ब्रेकिंग होता है एक सिंपल और फाइन पार्टिकल्स, फाइन कहने का मतलब महीन पार्टिकल्स, उसको हम डाइजेशन कहते हैं. ओके, सेकेंड वन आते हैं ब्लड वेसल्स डेट कैरी द ब्लड फ्रॉम द ऑर्गन्स टू हार्ट. वो ब्लड वेसल्स जो कि ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड को कैरी करते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, वेन्स, VEINS, वेन्स. थर्ड वन द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स. द आंसर इज द नर्व सेल्स. बच्चों ध्यान देना यहां पर नर्वस सिस्टम NERVOUS इसको हम स्पेल करेंगे नर्वस और NERVES इसको हम स्पेल करेंगे नर्व्स. सो द आंसर विल बी द नर्व सेल. आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश पोर्शन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. मतलब कहने का यह है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है. बच्चों द आंसर विल बी द राइट पोर्शन, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्रेन का जो राइट पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड जो होता है वो राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है. यानी अगर आप राइट हैंड से लिखते हैं तो आप जरा कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन ज्यादा एक्टिव है. कमेंट करिए. ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5 किडनीज आर द डैश शेप्ड ऑर्गन्स दैट हेल्प्स इन द फिल्टरिंग आउट द वेस्ट प्रोडक्ट. किडनी कैसा होता है, इट इज द बीन शेप्ड. द आंसर इज द बीन शेप्ड. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. द स्किन रिमूव्स वाटर एंड एक्सेसिव सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. स्वेट का मतलब होता है बच्चों पसीना. तो जो आपका स्किन होता है वो वाटर को, एक्सेस वाटर जो होता है या एक्सेसिव सॉल्ट जो होता है वो पसीने के फॉर्म में रिमूव करता है, बाहर करता है. नेक्स्ट वन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम हैज अ पेयर ऑफ टेस्टिस. जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम होता है वो एक टेस्टिस होता है. अगर फीमेल होता तो यहां आंसर होता ओवरीज. ओके, चलिए मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ. द सेक्शन बी इज राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द फर्स्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. द आंसर इज फॉल्स, क्योंकि जो आपका डाइजेशन होता है बच्चों वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है. जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में होगा तो वहां पर अनडाइजेस्टेड फूड जाते हैं. सो द डाइजेशन इट स्टॉप्स आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन. नेक्स्ट वन फेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स. बच्चों ये गलत है, क्योंकि लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है. बच्चों एक खास बात, जो भी फॉल्स स्टेटमेंट होगा आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करिए. इससे फायदा ये होगा कि आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि कौन सा उसका सही स्टेटमेंट होना चाहिए. ओके, मूव करते हैं बी का 3. ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर एट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू. एग्जैक्टली, इट इज द ट्रू स्टेटमेंट. जो ब्लड होता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. द फोर्थ वन द ब्लड वेसल्स विच टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड आर्टरी. जो ब्लड वेसल हार्ट से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडीज में ब्लड को ले जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, आर्टरीज. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. और पूरे शरीर से, पूरे बॉडी पार्ट से जो ब्लड वेसल्स खून को हार्ट में लेकर आता है उसको हम कहते हैं वेन्स. ओके, 5 नंबर किडनी फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड. किडनी जो होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाहर निकालता है. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. तो बच्चों याद रखना कि ब्लड में से जो इम्प्यूरिटीज होती हैं, जो गंदगी होती है उसको फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनीज करता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके, मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ. सेक्शन सी द फर्स्ट स्टेटमेंट इज बाइल इज सिक्रेटेड बाय द, आंसर इज लिवर. बच्चों जो बाइल जूस होता है वो लिवर से सिक्रेट्स होता है. नेक्स्ट आते हैं द फूड टेकन इन बाय द ह्यूमन स्टेज फॉर अबाउट 2 to 3 hours इन द, जो खाना ह्यूमन बींग्स खाते हैं वो 2 to 3 hours कहां रहते हैं. द आंसर विल बी द स्टोमक. ओके, थर्ड वन द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच टू द ब्रेन इज नोन एज, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो ब्रेन में अटैच होता है उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. ओके, मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन. द ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी विच फिल्टर्स आउट द वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया फ्रॉम द ब्लड इज द किडनी. अभी मैंने बताया बच्चों जो फिल्टर का काम करता है वो कौन करता है, किडनी करता है. आफ्टरवर्ड्स ओवरीज आर अ पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बच्चों ओवरीज जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है. तो आंसर विल बी द रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
अब करते हैं हम सेक्शन डी। बच्चों सेक्शन डी में देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द ब्रीफ। द फर्स्ट वन इज हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन अ 4 month ओल्ड चाइल्ड्स माउथ। 4 महीने के बच्चे, देखो बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन में लिखा है 4 month, मतलब 4 महीने के बच्चों में कितने दांत प्रेजेंट रहते हैं। बच्चों आपने पढ़ा है कि जब तक बच्चे 6 month के नहीं होते उनके दांत अपियर नहीं होते हैं। सो द आंसर इट विल बी द 6 month। अगर 6 month होता तो चाइल्ड के मुंह से दांत दिखाई देते, तो 4 महीने के बच्चों में कितने दांत होंगे? एक भी दांत नहीं। नो एनी टीथ आर प्रेजेंट इन अ 4 month ओल्ड चाइल्ड्स माउथ। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, वेयर इज सैलिवा प्रोड्यूस। सैलिवा कहां से निकलता है? तो बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है, सैलिवा इज प्रोड्यूस फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ। बच्चों सैलिवा जो होता है वो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है जो कि हमारे मुंह के अंदर होता है। हमारे मुंह के अंदर 3 pairs ऑफ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं जहां से सैलिवा निकलता है। सैलिवा को हम हिंदी में लार बोलते हैं, और साथ ही साथ जो हमारे मुंह में जो खाना जाता है उसके साथ वो मिक्सडअप होके हमारे खाने को निगलने में, स्वैलो करने में हेल्प करता है। तो सैलिवा इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द माउथ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन रेस्पिरेशन। आपको मालूम है द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाय टेकिंग एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड बाय टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है बच्चों जिसमें खाना को, जो फूड होता है वो टूटता है, ब्रेक होता है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, 4 number, नेम द फ्लैप दैट शट्स ऑफ द विंड पाइप व्हेन यू स्वैलो फूड। उस फ्लैप का नाम बताइए, उस ढक्कन का नाम बताइए जो कि बंद करता है विंड पाइप को जब आप खाने को निगलते हो। बच्चों कभी ट्राई करना, जब आप खाने को चबा कर निगलते हो, निगलने के समय आपकी सांस थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। पता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो फ्लैप है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, आपका विंड पाइप को बंद कर देता है। मतलब एक तरह से ये देखा जाए कि जो विंड पाइप और जो फुट पाइप होता है उन दोनों को कवर करने के लिए एक ही फ्लैप है जिसका नाम है एपिग्लॉटिस। जब आप खाने को निगलते हो तो आपका एयर वाला यानी विंड पाइप जो होता है वो बंद हो जाता है, और जब आप सांस लेते रहते हो तब आपका फुट वाला पाइप जो होता है वो बंद रहता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप फूड खा रहे हो और साथ ही साथ आप सांस ले रहे हो, तो फिर ये दोनों काम साथ साथ नहीं हो सकते। इसीलिए आपके घरों में आपके मम्मी पापा आपको बताते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उस समय बात नहीं करनी चाहिए। तो आज समझ में आ गया आपको कि हमें खाना खाते समय बात क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमें एयर को लेने की जरूरत पड़ती है, और जब हम खाना को निगलते हैं उस समय हमें एयर की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए दोनों काम एक साथ करने से क्या होता है कि जो खाना होता है वो हमारे फूड पाइप से विंड पाइप में आ जाता है और हमें खांसी आ जाती है, और चांसेस होते हैं कि हमें वो नुकसान कर दे। तो इसीलिए कौन सा फ्लैप का ये काम करता है जो विंड पाइप को बंद करता है जब आप फूड को निगलते हो, स्वैलो मतलब निगलना, इसका नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज द फ्लैप दैट शट्स ऑफ द विंड पाइप व्हेन वी स्वैलो द फूड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेसल्स आर फाउंड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। बच्चों सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन बींग्स में होता है उसमें कितने तरह के वेसल्स होते हैं? द आंसर इज द 3 types ऑफ वेसल्स आर फाउंड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स, नेमली आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये 3 blood vessels का नाम है जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। द 6 number क्वेश्चन, लिस्ट डाउन द मेन ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स के नाम बताइए। तो बच्चों जरूरी है ध्यान देना, द मेन ऑर्गन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड द सेंस ऑर्गन्स। क्या क्या नाम है देखो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड सेंस ऑर्गन। बच्चों ऑर्गन्स के नाम देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो कौन सा सिस्टम के बारे में बात हुआ हो रहा है, ठीक है? तो जरा कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैं ये बोलता हूं कि आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड और साथ ही साथ एक और नाम ब्लड, ये तीनों अगर मैं मिला दूं तो कौन सा सिस्टम आपका फॉर्म करेगा, कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले कि आपने इसको अच्छे से पढ़ाई की है। 7 number में आते हैं, नेम द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। द आंसर इज द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम नाम का वो स्ट्रक्चर है, दैट इज द स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। लास्ट वन, नेम द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एन एग विद अ स्पर्म। उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है। द आंसर इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ एन एग विद अ स्पर्म।
Okay, so this is all about section D. Now we will move towards the section E. Section E, answer the following questions. The question is, what is digestion? And starting from the mouth, state the various steps involved in digestion. बच्चों देखो यहाँ दो question दिया हुआ है और ये थोड़ा long question है. तो what is digestion? पहले हम digestion को define करेंगे और उसके बाद आपको बताना है कि mouth से शुरू करके वो different steps बताना है जो digestion में participate करते हैं. मैंने कोशिश किया है इसको शॉर्ट करने का. आप भी कोशिश करो कि जब अगर इसको याद करना हो तो एक सीरीज में याद करो. आप चाहें तो अपना आंसर्स खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, मगर कंसेप्ट सही होना चाहिए. तो देखो डाइजेशन का डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन और कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू वेरी फाइन एंड सॉल्युबल पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन. जो खाना होता है उसका, जो हमारा भोजन होता है, फूड होता है, उसको कन्वर्ट करना, ब्रेक करना, वेरी फाइन, फाइन मतलब महीन, एकदम पतला, पाउडर टाइप, एंड सॉल्युबल पार्टिकल, सॉल्युबल हो सके, इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं. ओके, अब इसका स्टेप्स देखो. तो मैंने दूसरे सेक्शन में लिखा स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द डाइजेशन आर एज फॉलोज. तो पहला #1, फर्स्ट वन, द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. बच्चों याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हायर क्लासेस में भी मिलते हैं. मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ फूड का डाइजेशन सबसे पहले कहां स्टार्ट होता है, तो आप आंसर क्या करोगे, माउथ में. ये नहीं कि अपना पेट दिखा के बोलना कि मेरे पेट में डाइजेशन नहीं हो रहा है, नहीं, आपका सबसे पहला डाइजेशन फूड का स्टार्ट होता है माउथ में. जहां पर क्या होता है, अब आप बताओ हमारे मुंह में क्या क्या प्रेजेंट होता है, टीथ प्रेजेंट होता है, टंग प्रेजेंट रहता है और सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं. यही प्रेजेंट रहते हैं, यानी इन तीनों की मदद से आपका फूड जो होता है वो टूटता है, कन्वर्ट होता है सिंपल पार्टिकल्स में. तो क्या करता है दांत, क्या करता है आपको मालूम है, वेयर द टीथ हेल्प्स टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड. जो आपका दांत होता है वो क्रश करने में, खाना को चबाने में और ग्राइंड करने में हेल्प करता है इनटू स्मॉलर पीसेस. एंड द सैलिवा हेल्प्स टू मॉइस्टन द फूड. सैलिवा जो होता है वो उस फूड को भिगाने के, मॉइस्ट करने के काम में काम करता है. और विद द हेल्प ऑफ ए टंग, अब टंग जो है वो क्या करेगा, जो खाना आपने मुंह में डाला है उसके साथ सैलिवा को मिक्स करने का काम करता है. अच्छा, ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने अपने मुंह में फूड को डाल दिया, सैलिवा सैलिवरी ग्लैंड से निकल गया, अब उन दोनों को मिलाने के लिए हम अपने मुंह में चम्मच से मिलाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता. यानी आपके मुंह में जो टंग है वो इसी काम के लिए है कि वो फूड को उस सैलिवा के साथ अच्छे से मिक्सअप कर दे और आपको उस फूड का टेस्ट बताए. तभी तो हमारे टंग में तरह तरह के टेस्ट बड्स होते हैं जो टेस्ट को बताने में हेल्प करते हैं. ओके, तो ये आपका पहला स्टेप. अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ. नाउ द सेकेंड स्टेप इज द फूड देन एंटर्स इन टू स्टोमक. बच्चों आपने चबाना शुरू कर दिया, चबाने के बाद खाना कहां एंटर करेगा, हमारे स्टमक में जाता है. बच्चों स्टमक में डायरेक्टली जाता है या किसी पाइप से जाता है? बिल्कुल किसी पाइप से जाता है, और उसी पाइप का नाम है फूड पाइप और उसका एक और नाम है ओसोफेगस. यानी ओसोफेगस को ही हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं. ठीक है, अब जो स्टमक होता है, बच्चों खाना स्टमक में पहुंच गया तो वहां पर गैस्ट्रिक जूस होते हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट्स होते हैं. जैसे आपने पढ़ा बच्चों जो सैलिवा होता है वो सैलिवरी ग्लैंड से निकलता है, उसी तरह जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं ये कहां से निकलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं जो कि हमारे स्टमक में रहता है. एंड द स्टोमक हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. मूव करते हैं थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप में देखो क्या होता है बच्चों, अब स्टमक में डाइजेशन हो गया कुछ का, अब खाना आगे बढ़ेगा. अब स्टमक के बाद खाना डायरेक्टली पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन. यहां पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, याद रखिएगा खाना कभी भी आपके लिवर में और पैंक्रियाज में नहीं जाता. जिन बच्चों ने मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को देखा है वो वीडियोस, उसमें उनको बहुत ही क्लियर है कि खाना का पैसेज कैसे कैसे होता है. तो सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टमक, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आया, द फूड देन एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर इट रिसीव्स द बाइल जूस फ्रॉम द लिवर. उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया और उस खाने के ऊपर में जो हमारा लिवर होता है वो अपने अंदर से बाइल जूस को डालता है, और पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज, और जो पैंक्रियाज होता है वो पैंक्रियाटिक जूस को उस खाने से मिलाता है. ठीक है, लेकिन खाना कहां पर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है. That helps in the digestion of the food. और ये जो है वो digestion of food में help करता है. तो बच्चों question आ सकता है, liver से कौन सा juice निकलता है, तो आपका answer क्या होगा, bile juice. Pancreas से कौन सा juice निकलता है, pancreatic juice. Very important question. और ये दोनों juice कहाँ जाते हैं, small intestine में जाते हैं.
जहां पर खाना पहले से मौजूद रहता है जो कि स्टमक से आया हुआ रहता है। क्लियर है? अब इसी में देखो क्या लिखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट साइट फॉर द डाइजेशन। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो डाइजेशन ऑफ फूड का सबसे लार्जेस्ट साइट है। साइट का मतलब होता है जगह, ठीक है। मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि विच डाइजेस्टिव पार्ट इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द डाइजेशन, मतलब खाना सबसे ज्यादा कहाँ डाइजेस्ट होता है, तो आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन क्वेश्चन अगर ये हो कि खाना सबसे पहले कहाँ डाइजेस्ट होता है, कमेंट करिए आंसर। द डाइजेशन ऑफ द फूड स्टार्ट फ्रॉम माउथ। वेरी गुड, माउथ से स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे ज्यादा डाइजेशन किस जगह पे होता है, कमेंट करिए। द आंसर विल बी द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट एब्सॉर्ब्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। जो खाना डाइजेस्ट होता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब बच्चों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सबको, क्योंकि आपको मालूम है कि ये सारी चीजें हमारे खाने के अंदर रहती हैं, इन सबको डाइजेस्ट किया जाता है एंड टेक्स देम टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। और हमारे बॉडी जो कि सेल का बना हुआ है उसको पहुंचाया जाता है ताकि उनको एनर्जी मिल सके। कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। ब्लड सेल्स के द्वारा पहुंचाया जाता है और ये जाकर हमें क्या देता है, दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी। क्लियर है? चलिए तो बच्चों देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही खाना डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद ना खाना डाइजेस्ट नहीं होता। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड खाना होता है, देखो ध्यान देना, अनडाइजेस्टेड, डाइजेशन खाना नहीं आएगा, अनडाइजेस्टेड खाना। अब वो अनडाइजेस्टेड जो खाना होता है वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है वेयर द एक्सेस ऑफ वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। और उस खाने में जो एक्सेस पानी होता है उसको एब्सॉर्ब कर लिया, लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। एंड देन द अनडाइजेस्टेड फूड, बच्चों ध्यान देना यहाँ डाइजेस्टेड नहीं लगाना है, अनडाइजेस्टेड लिखना है। एंड देन द अनडाइजेस्टेड फूड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एन एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड द एनस। और वही अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है। सुबह सुबह सब क्लियर होते हैं ना, बस समझ लो कि वो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। क्लियर है? चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द टंग एंड शो द लोकेशन ऑफ द टेस्ट बड्स ऑन इट। आपको टंग का डायग्राम बनाना है और उसका लोकेशन, टेस्ट बड का जो लोकेशन है उसको दिखाना है। तो देखिए मैं आपको डायग्राम बना दिखा देता हूं ताकि आप उसको नोट कर सकें। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ डायफ्राम। इसको स्पेल क्या करेंगे बच्चों? डायफ्राम। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब डायफ्राम का क्या रोल होता है ब्रीथिंग में, सांस लेने और छोड़ने में, ये बताना है। तो बच्चों डायफ्राम जो होता है ना, इसी का मूवमेंट जो होता है वो लंग्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब अगर डायफ्राम नहीं हिलेगा तो आपका जो लंग्स है जिसमें आप सांस भरते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द मसल्स बिटवीन द रिब्स ऑफ द चेस्ट वॉल कॉजेज द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लंग। एक्सपेंशन मतलब फैलना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, बाय विच द ब्रीथिंग टेक्स। और इसी के कारण जो आपका ब्रीथिंग होता है, ब्रीथिंग मतलब बच्चों वन इनहेलेशन एंड वन एक्सलेशन, एक बार आप सांस लेते हैं और एक बार सांस छोड़ते हैं, तो उसको एक ब्रीथिंग बोला जाता है। ओके सो हम बोल सकते हैं कि ये जो डायफ्राम है इसी के मूवमेंट के चलते आपका ब्रीथिंग जो होता है वो होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन है, गिव द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। आपको हार्ट का फंक्शन बताना है और उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं, आपने पहले क्वेश्चन में देखा था ब्लड वेसल्स तीन तरह के होते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, उनका फंक्शन नोट करना है। तो चलिए देखिए, पहला है हार्ट का फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू पंप ब्लड एंड कीप इट मूविंग इन द ब्लड वेसल। बच्चों हार्ट का सिर्फ एक ही काम है कि खून को पंप करके अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचाना, पंपिंग करना है ना। इसीलिए जब आप अपने हार्ट पे हाथ रखते हो तो वहां पर धड़कने की आवाज सुनाई देती है, मतलब वो पंपिंग कर रहा है। ओके चलिए अब देखते हैं, ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, कौन कौन से? आर्टरीज, इसका काम क्या है देखो, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो आपका हार्ट है वो खून को पंप करता है, तो उसको ले जाने का काम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कौन कर रहा है? आर्टरीज कर रहा है, ठीक है। वेन्स में आते हैं, दे ब्रिंग बैक ब्लड बैक टू द हर्ट फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे शरीर से, हाथ से, पैर से, सिर से जो ब्लड फिर से आपके हर्ट में आ रहा है वो लाने का काम कौन करता है? वेन्स करता है। और कैपिलरीज, बच्चों कैपिलरीज जो होता है ना वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करके रखता है, लेकिन वो साथ ही साथ दे कैरीज द न्यूट्रिएंट्स टू द सेल। ये कैपिलरीज जो होते हैं वो सेल में, सेल के अंदर तक जाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब जो होते हैं उन सबको वहां पहुंचाते हैं, और सेल से जो गंदगी निकलती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलता है, वहां से इकट्ठा करके लेकर जाते हैं। दे हेल्प इन कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्स। इसके साथ ही साथ वो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं और करते हैं।
ठीक है, मूव करते हैं सेक्शन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल्स, रोल ऑफ द नर्व्स इन इट, मतलब जो नर्व्स होते हैं उसका रोल क्या है। बच्चों देखना, ये इसको हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम और इसको पढ़ेंगे नर्व्स। पढ़ने का तरीका एक बार बोलकर देखिए, नर्वस और इसको पढ़ेंगे नर्व्स, ठीक है। तो देखो नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या था, नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी। बच्चों नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। आप अपनी उंगलियों को हिलाते हैं, आप अपने आंखों को घुमाते हैं, आप अपने गर्दन को घुमाते हैं, तो आपको लगता होगा कि ये आप कर रहे हैं। जनरली ये आपके ब्रेन के कंट्रोल से ऐसा होता है। अगर ब्रेन कंट्रोल ना करे या कोऑर्डिनेट ना करे तो क्या होगा, आप इन सारे एक्टिविटीज को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसी तरह नर्व्स आर ऑफ टू टाइप्स, नर्व्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स का क्या काम है, देखो, दीज नर्व सेल्स कैरीज द मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू ब्रेन। सेंस ऑर्गन क्या क्या होता है कमेंट करिए। देर आर 5 सेंस ऑर्गन, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। बच्चों ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं और ये सेंस ऑर्गन से जो मैसेज आपके ब्रेन में जाता है वो सेंसरी नर्व्स के द्वारा जाता है। मान लो आपको किसी ने आपको चींटी काटा, अब उस चींटी का जो मैसेज है आपके ब्रेन में जा रहा है तो वो कौन से नर्व्स के द्वारा जा रहा है, सेंसरी नर्व्स के द्वारा जा रहा है, ठीक है। तो वो नर्व्स जो कि सेंस ऑर्गन से ब्रेन की तरफ मैसेज भेजते हैं उनको सेंसरी नर्व्स कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है बच्चों, मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स क्या करता है, दीज नर्व सेल्स कैरीज कमांड्स गिवन बाय द ब्रेन टू द मसल। ये नर्व सेल्स क्या करते हैं, ब्रेन जब मैसेज अपने मसल्स को भेजता है तो वो मोटर नर्व्स होता है। मान लो आपको किसी ने चींटी काटा तो वहां से जो मैसेज गया है वो स्किन है, स्किन इज अ सेंस ऑर्गन, तो स्किन के तरफ से जो मैसेज जा रहा है किसको, ब्रेन को, वो कौन से नर्व्स के द्वारा जा रहा है, सेंसरी नर्व्स के द्वारा। अब आपका ब्रेन क्या कहेगा, अच्छा मुझे चींटी काटा, चलो उसको मैं अपने हाथ को कमांड दिया है, जाओ उसको एक खींच के लगाओ। तो ये जो ब्रेन ने जो मैसेज भेजा आपके हाथों को और आपका हाथ का मसल्स उठ के उसको पीटने के लिए लग जाता है, बच्चों ये जो कमांड आ रहा है नर्व सेल से इसी को हम कहते हैं मोटर नर्व्स। क्लियर है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन बाय द किडनीज इन द ह्यूमन बींग्स। आपको एक आउटलाइन बताना है कि कैसे एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन कहने का सिंपल सा मतलब आप जो टॉयलेट्स करते हैं वो किस फॉर्म में यहां पर होता है, किडनी उसको वेस्ट प्रोडक्ट्स को छानता है। तो देखो द आंसर इज द किडनी इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट फिल्टर्स आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड एलिमिनेट्स देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के फॉर्म में वो एलिमिनेट करता है। किडनीज हेल्प इन रिमूविंग नॉट ओनली द हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज यूरिया बट ऑल्सो द एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड कैरीड बाय यूरेटर्स एंड ओपन इन टू द यूरिनरी ब्लैडर। द यूरिन गेट्स स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन इट गेट्स डिस्चार्ज फ्रॉम द स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरेथ्रा। So this is all about the question answers of the chapter 9, that is the structure and functions of the living organisms, animals. मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को समझकर आसानी से अपने एग्जाम में फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।